अदिति और अमित बार में ही मौजूद थे। कुछ देर बाद वहां बार की सबसे महंगी वाइन अदिति के सामने लाकर रखी गई और अदिति ने कुछ ही देर में वाइन की बोतल खत्म कर दी। उसके बोतल खत्म करते ही तुरंत दूसरी बोतल उसके सामने लाकर रखी गई। इस बार भी अदिति ने यही किया। अमित उसे वाइन पीते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद अदिति ने अमित की ओर देखा। इस वक्त वो पूरी तरह नशे में थी। उसने अमित की ओर देखकर कहा, थैंक यू सो मच अमित। ये बोलकर वो उठकर खड़े होने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ी। उसके गिरते अमित के केबिन में मौजूद स्टाफ उसे उठाने आ ही रहा था कि अमित ने उन्हें इशारे से मना कर दिया और अदिति को गोद में लेकर बार में बने अपने स्पेशल स्वीट की ओर चला गया। वहां ले जाकर उसने अदिति को बेड पर लिटाया और गौर से उसका चेहरा देखने लगा। इस वक्त सोती हुई अदिति उसे पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। दूसरी ओर खन्ना पैलेस में सायशा अपने बेडरूम में मौजूद थी और वो अभय के आने का वेट कर रही थी। उसने अपने हाथों में पहनी घड़ी में समय देखा। रात के 1 बज चुके थे, लेकिन अभय अब तक घर नहीं आया था। सायशा अपने बेडरूम की बालकनी में खड़े होकर अभय का इंतजार कर रही थी। इस वक्त आयांश भी गहरी नींद में सो चुका था। कुछ देर बाद सायशा को अपने बेडरूम में किसी के आने की आहट सुनाई दी। आहट सुनकर वो बेडरूम में पहुंची। अभय बेडरूम के अंदर आ चुका था। सायशा को देखकर उसने अपने अंदाज में कहा, तुम मुझे मेरा इंतजार करती हुई बहुत खूबसूरत लगती हो। ये बोलकर वो सायशा के करीब आ गया। सायशा ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, अभय धीरे बात करो, आयांश जाग जाएगा। उसकी बात सुनकर अभय ने शरारती अंदाज में कहा, क्या बात है मिसेस खन्ना, आज मेरे आने के पहले ही तुमने आयांश को सुला दिया। लगता है तुम भी आज रोमांटिक मूड में हो। ये बोलकर उसने सायशा के बालों में लगे हेयर क्लिप को हटा दिया। सायशा ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, अभय पहले शार तो ले लो। उसकी बात सुनकर अभय ने शरारती अंदाज में कहा, पहले मुझे किस करो। ये बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने होंठ सायशा के होठों के करीब ले गया। सायशा ने जल्दी से उसके होठों पर किस किया और कहा, अब जाओ और जल्दी से शार लेकर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूँ। उसकी बात सुनकर अभय ने आंखें सिकोड़ कर कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने डिनर नहीं किया है। उसकी बात सुनकर सायशा ने उसकी नाक खींचते हुए कहा, मिस्टर खन्ना, जिस तरह आप अच्छे फेस रीडर हैं, उसी तरह मैं भी अच्छी फेस रीडर हूँ। अपने पति का चेहरा देखकर सब समझ जाती हूँ। उसकी बात सुनकर अभय को उस पर बहुत प्यार आया। उसने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है, तुम खाना गर्म करो, मैं शावर लेकर अभी आया। सायशा ने हाँ में सर हिला दिया और वहां से किचन की ओर चली गई। कुछ देर बाद अभय शावर लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुंच चुका था। जैसे ही वो अपनी चेयर पर सेटल हुआ, सायशा ने उसकी प्लेट पर गर्मा गर्म खिचड़ी सर्व करते हुए कहा, अभय मैंने सोचा रात काफी हो चुकी है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए खिचड़ी रेडी कर दी। उसकी बात सुनकर अभय ने अपने दोनों हाथ आपस में झाड़ते हुए कहा, लेकिन ये खिचड़ी भी बहुत डिलीशियस लग रही है। ये बोलकर अभय ने खाने की पहली बाइट हमेशा की तरह सायशा को खिलानी चाहिए, लेकिन सायशा ने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, अभय आज मैंने ढेर सारा खाना खाया है, मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। उसकी बात सुनकर अभय ने स्माइल किया और जैसे ही उसने खाने का पहला बाइट खाया, उसने होठों को कर्ल करते हुए कहा, सचमुच सायशा तुम्हारे हाथों में जादू है। आज से पहले मैंने कभी खिचड़ी नहीं खाई, लेकिन जब भी तुम खिचड़ी बनाती हो ना, तुम्हारे इस खिचड़ी के सामने दुनिया के 5 स्टार के सारे खाने फैले। ये बोलकर उसने खाने का दूसरा बाइट लिया। सायशा स्माइल करते हुए उसे देख रही थी। अभय ने उसकी ओर देख कर कहा, आज तुम्हारा दिन कैसा रहा। जवाब में सायशा ने कहा, अच्छा था, आज मैं अदिति और अमित के साथ डिनर के लिए बाहर गई थी। ये बात सुनकर अभय ने हैरान होते हुए कहा, ये अदिति हर वक्त तुम्हारे आसपास क्यों होती है, मुझे तो इस अदिति से बहुत जलन होती है। सायशा ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों भाइयों को मेरी दोस्त से क्या प्रॉब्लम है। अभय सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगा। सायशा ने हंसते हुए कहा, ठीक इसी तरह अमित को भी मेरा अदिति के साथ अकेले रहना बिल्कुल नहीं पसंद है। ये लाइन कहने के बाद वो स्माइल करती हुई अभय को पानी का गिलास पास करने लगी। फिर उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है अदिति और अमित बिल्कुल बच्चों की तरह झगड़ा करते हैं, उन दोनों को झगड़ा करते देखकर मेरा सर दुखने लगता है। ये बोलकर सायशा हंसने लगी। अभय ने स्माइल करते हुए कहा, हो सकता है कि दोनों पिछले जन्म के खास दोस्त हो, इसीलिए सारा टाइम ये लोग झगड़ा करते हैं। सायशा ने हंसते हुए कहा,
मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद अभय ने साइशा की ओर देखकर कहा, क्या तुम्हारी विशेषता से मुलाकात हुई? विशेषता का नाम सुनकर साइशा ने नहीं में सर हिलाते हुए कहा, नहीं अभय। साइशा का रिप्लाई सुनकर अभय ने कुछ नहीं कहा। साइशा ने धीरे से कहा, पल्लवी के इस एक्सीडेंट के पहले विशेषता मुझे ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पसंद करने लगी थी, मेरी बातें सुनने लगी थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब एक बार फिर उसका दिल मेरे लिए नफरत से भर गया है। उसकी बात सुनते ही अभय ने बेपरवाही से जवाब दिया, तुम्हें उस बदतमीज लड़की के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा ही बेवकूफ रही है। ये बोलकर वह चुप हो गया। साइशा ने उसकी ओर देखकर कहा, अभय तुम उसके लिए बहुत सख्त हो, वो तुम्हारी बहन है, तुम्हें उसे प्यार से बात करनी चाहिए और तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो ऐसी एज में है जहाँ उसे सही गलत समझ में नहीं आता है। ऐसे समय में तुम्हें उसे सही और गलत के बीच के फासले समझाने चाहिए, ना कि उसे परिवार से दूर करने की सोचनी चाहिए। उसकी बात सुनकर अभय ने उसे घूर कर देखा और कहा, देखो साइशा, वो मेरी सगी बहन है और मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वो बहुत सिद्धी है, उसने जो ठान लिया है उसे वही सच लगता है। साइशा कुछ कहना चाहती थी, उसके पहले ही अभय ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैंने कहा ना तुम्हें विशेषता को और समझाने की कोई जरूरत नहीं है, उसे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आएगी। उसकी बात सुनकर साइशा चुप हो गई। फिर साइशा ने अभय की ओर देखकर कहा, अभय विशेषता बहुत अच्छी लड़की है और तुम्हें उसे मौका देना चाहिए। अभय ने उसकी आंखों में देखकर कहा, वो लड़की तुम्हारे साथ हर बार बदतमीजी करती है, फिर भी तुम उसके लिए इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो? उसकी बात खत्म होते ही साइशा बोल पड़ी, क्योंकि वो तुम्हारी बहन है और तुम मेरे पति हो, तुमने मुझे जिंदगी की सारी खुशियां दी है, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारी फैमिली का ध्यान रखूं। उसकी बात सुनकर अभय ने स्माइल कर दिया। अगली सुबह 10 बजे अदिति की जैसे ही नींद खुली, वो अपने आप को एक नए कमरे में देखकर परेशान हो गई। फिर उसने तुरंत अपने कपड़े चेक किए, कपड़े ठीक थे। फिर उसने राहत की सांस ली और जैसे ही उठकर बैठी, एक पल के लिए उसे कुछ समझ में नहीं आया, फिर वो उठकर बेडरूम से बाहर निकली। बाहर निकलकर उसे समझ में आया कि वो अमित के बार में है, ये देखकर वो रिलैक्स हो गई। फिर उसने यहाँ वहाँ नजर दौड़ाई, उसे अमित कहीं नजर नहीं आया। तभी एक वेटर उसके सामने पहुंचा, उसके हाथों में नाश्ते की ट्रे थी। उसने अदिति की ओर देखकर कहा, गुड मॉर्निंग मैडम। उसे देखकर अदिति ने कहा, अमित कहाँ है? उस वेटर का जवाब आया, अमित सर सुबह सुबह ही यहाँ से निकल गए हैं और उन्होंने आपको डिस्टर्ब करने के लिए मना किया था, इसीलिए मैंने आपको नहीं जगाया। उसकी बात सुनकर अदिति ने कुछ सोचा और कहा, क्या अमित ने ब्रेकफास्ट किया? वेटर ने नहीं में सर हिला दिया। ये बात सुनकर अदिति ने वेटर की ओर देखकर कहा, तुम ये ब्रेकफास्ट ले जाओ, मुझे भूख नहीं है। ओके मैडम, बोलकर वो वहां से चला गया। अदिति ने अपना हैंड पर्स उठाया और मोबाइल निकालकर अमित का नंबर डायल किया, लेकिन अमित ने फोन रिसीव नहीं किया। अदिति ने खुद से बात करते हुए कहा, लगता कहीं और बिजी है, शायद काजल के साथ होगा। ये सोचकर उसने अपना मोबाइल पर्स में वापस डाल दिया और उसके बाद वहां से निकल पड़ी। दूसरी ओर अभय अपने स्टडी में मौजूद था। इस वक्त वो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था कि तभी वहां सैंडी पहुंचा। सैंडी को देखकर अभय ने कहा, सैंडी अब बताओ, मोहित किसका बच्चा है? क्या वो हमारी फैमिली से ताल्लुक नहीं रखता है? सैंडी ने धीमी आवाज में कहा, सर आर्यन सर के साथ भी मोहित का डीएनए मैच नहीं किया। ये बोलकर सैंडी हाथ बांधकर चुपचाप खड़ा हो गया। उसके इतना कहते ही अभय ने टेबल पर रखा पेपर वेट उठाकर दीवार पर दे मारा। उसे इतने गुस्से में देखकर एक पल के लिए सैंडी भी सहम गया था। फिर अभय ने सैंडी को देखकर कहा, क्या पल्लवी के साथ उसका डीएनए मैच हुआ? जवाब में सैंडी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी हाँ। ये बात सुनकर अभय का खून गुस्से से खौलने लगा। उसने सैंडी की ओर देखकर कहा, तुम्हें तो याद है ना, आर्यन ने हमारी कंपनी से पर्सनल लोन निकाला था जिसे वो नहीं चुका पाया, इसीलिए हमारी कंपनी आर्यन की कंपनी पर कब्जा करेगी। तुम जाकर पल्लवी से कह दो कि वो अपने रहने का बंदोबस्त कहीं और कर ले और उसे खन्ना पैलेस की ओर देखने की जरूरत नहीं है। ये सारी लाइंस उसने काफी गुस्से में कही थी। सैंडी ने उसकी बात सुनकर परेशान होते हुए कहा, लेकिन सर इस वक्त मैडम अपने छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी? उसके इतना कहते अभय ने सपाट लहजे में कहा, तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये पल्लवी की प्रॉब्लम है। सैंडी ने डरते हुए कहा, सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अभय ने कहा,
कहो क्या बात है, पैंडी ने कहा। अगर आप पल्लवी मैडम को इस तरह विला से बाहर निकाल देंगी तो लोग क्या कहेंगे कि आपने अपनी विधवा भाभी को छोटे बच्चे के साथ बाहर निकाल दिया, और भी कई तरह की बातें होंगी। उसके इतना कहते अभय तुरंत बोल पड़ा, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। पैंडी तुरंत बोल पड़ा, लेकिन सायशा मैडम को भी आपकी वजह से ताने सुनने पड़ेंगे, और जहां तक मैं उन्हें जानता हूँ वो ये सब बातें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इसीलिए सर, आप जो भी डिसीजन ले सोच समझ कर ले। अगर आप पल्लवी मैडम को विला से बाहर निकालना चाहते तो दुनिया के सामने मोहित बाबा का सच बताना होगा। लेकिन अगर मोहित बाबा का सच दुनिया के सामने आ गया तो ये सोचिए कि आर्यन सर की कितनी बदनामी होगी, और आपके परिवार पर लोग कीचड़ उछालने से पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए सर, आप जो भी करें सोच समझ कर करें। ये बोलकर सैंडी वहां से चला गया। उसके वहां से जाने के बाद अभय ने स्टडी पर रखी सारी बुक्स उठाकर फर्श पर फेंकते हुए कहा, मुझे इस पल्लवी की शक्ल से भी नफरत है। अभय पल्लवी का ये सच जानकर क्या करेगा? या वो उसे विला से बेदखल कर देगा, या फिर अब उसके लिए कुछ और तरकीब निकालेगा? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। अभय पल्लवी से मिलने हॉस्पिटल पहुंचा। उसे पल्लवी से अपने सवालों के जवाब जो चाहिए थे वो बगैर डोर नॉक किए सीधे उसके वार्ड के अंदर एंटर हो गया। वार्ड में एंटर होते ही जैसे पल्लवी की नजर उस पर पड़ी, वो बहुत खुश हुई। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। इस वक्त वो बेड पर बैठकर मैगजीन पढ़ रही थी। अभय को देखते ही उसने मैगजीन बेड के करीब रखे कांच की टेबल पर फेंकते हुए अभय पर नजर डाली और खुश होते हुए कहा, तुम मुझसे मिलने आए हो? अभय उसे गुस्से से घूर कर देख रहा था, लेकिन पल्लवी को उसका गुस्सा उसकी नजरों से समझ में नहीं आया। अभय उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इस वक्त उसने अपने दोनों हाथ अपने पॉकेट में डालकर रखे थे। पल्लवी ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे चोट लगी और दर्द तुम्हें ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ये कहते हुए पल्लवी स्माइल करती हुई अभय को देखने लगी। उसके इतना कहते ही अभय ने कड़क लहजे में कहा, बंद करो अपनी घटिया बकवास। तुम इतनी गिरी हुई औरत होगी ये मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। उसकी बात सुनकर पल्लवी ने आंखें सिकोड़ कर कहा, अभय तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जवाब में अभय ने कहा, जब तुम्हारी गलती पकड़ी जाती है तब तुम एकदम से मासूम बन जाती हो, जैसे तुमने कुछ किया ही ना हो। ये बोलकर वो पल्लवी की आंखों में देखने लगा। पल्लवी को सचमुच कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि अभय उसे अकेले में मिलने आया है, उसके हालचाल जानने आया है। लेकिन अभय की बातें सुनकर उसे समझ में आ रहा था कि अभय यहाँ किसी और मकसद से आया है। पल्लवी ने अपनी बातों पर जोर देते हुए कहा, अभय तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। उसकी बात सुनकर अभय ने कहा, यहां से बाहर निकलते ही तुम विला में नहीं जाओगी, वो विला मेरा हो चुका है। अब तुम अपने और अपने बच्चे के रहने का कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लेना। उसके इतना कहते पल्लवी के तो पैरों तले जमीनी की सक गई, और उसने हैरान होकर कहा, अभय ये तुम क्या कह रहे हो, तुम होश में तो हो? उसकी बात सुनकर अभय ने जोर से चिल्ला कर कहा, हाँ पल्लवी मैं होश में हूँ, और पूरे होशो हवास में मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये कहते वक्त अभय की आवाज में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। पल्लवी ने परेशान होते हुए कहा, अभय मैंने क्या किया है? एक गुनहगार को भी उसका गुनाह बताकर सजा दी जाती है, लेकिन मैं तो उससे भी कहीं बीती हूँ, मुझे तो मेरा गुनाह ही नहीं पता, तुम किस बात की मुझे सजा देना चाहते हो? अभय ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, आर्यन का ब्लड ग्रुप और तुम्हारा ब्लड ग्रुप, तुम दोनों के ब्लड ग्रुप मोहित के ब्लड ग्रुप से डिफरेंट क्यों है? ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ना ही आर्यन का है और ना ही तुम्हारा। ये बोलकर वो गुस्से भरी नजर से पल्लवी को देखने लगा। अभय के मुंह से ये बात सुनकर पल्लवी अंदर तक कांप गई, क्योंकि उसे तो ऐसा लगा था कि आर्यन के साथ साथ ये सच भी उसके साथ जा चुका है। लेकिन फिर भी उसने नाटक करते हुए कहा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? अभय ने पल्लवी के बेड पर मोहित की मेडिकल फाइल फेंकते हुए कहा, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। उसकी बात सुनकर पल्लवी ने तुरंत फाइल ओपन की और आंखें फाड़ कर हैरानी से अभय की आंखों में देखने लगी, और अभय गुस्से भरी नजरों से उसे देख रहा था। अभय ने दांत पीसते हुए कहा, तुमने मेरे भाई को धोखा क्यों दिया, और ना जाने किसकी नाजायज औलाद को तुमने खन्ना फैमिली में लाकर पटक दिया। तुम्हें क्या लगा था हमें सच्चाई का पता नहीं लगेगा, हम तुम्हारी रंगरलिया से आए उस जंगली बीच को अपना लेंगे, क्या सोचा था तुमने?
कि कहते हुए अभय गुस्से भरी नजर से पल्लवी को देखने लगा। पल्लवी रोती हुई उसकी बातें सुन रही थी और उसे अभय के मुंह से अपने लिए ये सब लफ्ज सुनकर बहुत तकलीफ हो रही थी। पल्लवी ने रोते हुए कहा, अभय बंद करो अपनी जबान से गंदी बातें। ये बोलकर वो फपक कर रो पड़ी। अभय ने उसे गुस्से से घूर कर देखा और कहा, मुझे भी तुम्हारी मनहूस शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। मैं यहां तुम्हें अल्टीमेटम देने आया हूं कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद तुम 7 दिन के अंदर विला खाली करके अपने जंगली बीच को यहां से ले जाओ, वरना अगर तुमने इस बार कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे जंगली बीच को छोड़ूंगा नहीं। ये कहने के बाद अभय ने गुस्से भरी नजर पल्लवी पर डाली और जैसे ही वो वार्ड से बाहर निकलने को हुआ, पल्लवी तुरंत बेड से उछलकर अभय का रास्ता रोककर खड़ी हो गई और उसने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, अभय तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अभय ने उसकी आंखों में झांक कर देखा और कहा, अब इन सब बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है, समझी तुम, और मुझे तुम्हारी शक्ल देख कर भी घिन आती है। ये बोलकर अभय उसे गुस्से भरी नजरों से देखने लगा। पल्लवी ने अभय की शर्ट का कॉलर पकड़ लिया और उसे झकझोरती हुई बोली, अभय मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ, तुम क्यों नहीं समझते, मैं आज भी तुम्हारे साथ बिताए पलों को नहीं भूली हूँ। ये बोलकर वो रोती हुई अभय को देखने लगी। अभय ने उसका हाथ अपने शर्ट की कॉलर से दूर झटकते हुए कहा, तमीज से बात करो, ये मत भूलो कि तुम अभय खन्ना से बात कर रही हो। पल्लवी फर्श पर अभय के सामने बैठ गई और उसके पैर पकड़कर रोती हुई बोली, अभय मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं अपने अभय से बात कर रही हूँ और अभय सिर्फ मेरा है और सिर्फ मेरा ही रहेगा, वो कभी किसी और का नहीं हो सकता। अभय ने गुस्से से अपना पैर हटा लिया और कहा, पल्लवी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी बिछाई हुई शतरंज की चाल में फंस जाऊंगा, अब मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ चुका हूँ। तुम क्या चीज हो, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं है। जब तुमने साइशा को नीचा दिखाने के लिए अपने ही बच्चे की जान ले ली थी, उसी दिन तुम मेरी नजरों से इतनी गिर चुकी थी कि अब तुम कभी मेरी नजरों में उठ नहीं पाओगी। और इतना ही नहीं, तुमने साइशा को नीचा दिखाने के लिए इतनी घटिया हरकतें की है कि अब मैं तुम्हें उसके लिए कभी माफ नहीं कर सकता। और आज तो तुमने अपनी हद ही पार कर दी है, मेरे भाई के रहते तुमने किसी और से संबंध बनाए, मुझे तो तुमसे घिन आती है, नफरत है तुमसे। ये सारे वर्ड्स उसने काफी गुस्से में कहे थे। पल्लवी ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ अभय, प्लीज मुझसे इस तरह बातें मत करो, मैंने कभी किसी और से संबंध नहीं बनाए हैं। और हाँ, साइशा को नीचा दिखाने के लिए कई झूठ बोले और कई चाले भी चले, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये सब मैंने सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया। ये बोलकर वो अभय के पैरों के करीब जाकर उसके घुटनों पर सर टिका कर रोने लगी। अभय ने एक बार फिर अपने पैर पीछे खींच लिए और गुस्सा करते हुए कहा, पल्लवी और कितना नीचे गिरोगी तुम। पल्लवी ने उसकी आंखों में देखा और रोते हुए कहा, तो मैं क्या करूं, ये सब करने के लिए तुमने ही मुझे मजबूर किया है, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हें अपने अलावा और किसी औरत के साथ खुश नहीं देख सकती, इसीलिए मुझे नफरत है साइशा से, क्योंकि साइशा ने मेरी खुशियां मुझसे लूटी है, और तुम इतनी जल्दी मुझे भूलकर कैसे किसी और के साथ आगे बढ़ सकते हो, मैं तुम्हें अब तक नहीं भूली हूँ। ये बोलकर वो एक बार फिर रोते हुए अभय को देखने लगी। अभय ने दांत पीसते हुए कहा, पल्लवी बेकार की बातें मत करो, आर्यन के साथ तुमने शादी की थी, मुझे छोड़कर तुमने पहले मूव ऑन किया था, और मैं तुम्हारी तरह इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं कि मैं अपने भाई की पत्नी पर बुरी नजर रखूं, समझे तुम। ये बोलकर वो चुप हो गया। पल्लवी ने रोते हुए कहा, अभय तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि मैंने आर्यन से अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी, मैं अपनी किस्मत के हाथों मजबूर थी, आर्यन का मुझ पर एहसान था, इसीलिए उस एहसान को चुकाने के लिए मैंने उसके साथ शादी की थी, और मैंने कभी आर्यन से प्यार नहीं किया, हर पल हर लम्हा तुम मेरे दिल में रहे, और ये बात आर्यन भी अच्छी तरह जानता है कि मैं उससे नहीं बल्कि तुमसे प्यार करती हूँ, और इसीलिए उसने मेडिकल हेल्प से मुझे प्रेग्नेंट किया और फिर कहीं जाकर मोहित हुआ, मैंने किसी के साथ कोई रंगरेलिया नहीं मनाई। अगर तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं तो तुम जाकर अपने फैमिली डॉक्टर से मोहित के बारे में क्यों नहीं पूछ लेते। ये बोलकर वो रोती हुई अभय को देखने लगी। अभय ने उसे घूर कर देखा और कहा, पल्लवी मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं है, और ना ही मैं तुम्हारी बात पर यकीन करने में इंटरेस्टेड हूँ, इसीलिए मुझे सफाई देने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, बल्कि अपने लिए नया घर ढूंढने में अपनी एनर्जी वेस्ट करो, समझे तुम, गुड बाय। ये बोलकर अभय फिर वहां से जाने को हुआ। पल्लवी भी अपनी जिद में थी
उसने एक बार फिर कसकर अभय का पैर पकड़ लिया और अपना सर उसके घुटनों पर रखकर बोली, प्लीज अभय, मैं तुम्हारे हाथ पैर जोड़ती हूँ, इस तरह मुझे जलील मत करो। सचमुच मैंने जो किया तुम्हें पाने की खातिर किया। मैं मानती हूँ मैंने साइशा को बहुत सारी तकलीफ दी है, और मैं ये भी मानती हूँ कि मैंने हमेशा तुम दोनों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन ये सब मैंने अपने पुराने प्यार को पाने की खातिर किया था। और सच कहूँ तो आर्यन से शादी के बाद मैं एक दिन भी कभी खुश नहीं रही। हर दिन आर्यन ने मुझे सिर्फ तकलीफ दी है। ये बोलकर वो रोने लगी। पल्लवी के मुंह से आर्यन के लिए ऐसे वर्ड सुनकर अभय ने दांत पीसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? आर्यन ने तुम्हें तकलीफ दी है? अरे पागल औरत, क्या तुम्हें कभी आर्यन का प्यार दिखाई नहीं दिया? क्या तुमने कभी मेरे भाई की फीलिंग नहीं समझ में आई? आई नो कि उसने किस तरह टूटकर तुम्हें प्यार किया। तुम्हें बचाने के लिए उसने अपने पैर गवा दिए। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसने क्या नहीं किया। लेकिन तुम बहुत बदकिस्मत हो, तुमने एक बार अपना सच्चा प्यार खो दिया और दूसरी बार भी तुमने यही गलती दोहराई। अब तुम्हारे साथ कोई नहीं है। तुम अपनी बदकिस्मती लेकर और जंगली बीज को लेकर हमारी जिंदगी से दूर और बहुत दूर चली जाओ। ये तुम्हारे लिए और हमारे लिए बेहतर होगा। पल्लवी ने रोते हुए अभय की आंखों में देखा और कहा, अभय, मैं तुमसे अपनी पुरानी बातों के लिए माफी मांगती हूँ, तुम मुझे माफ कर दो। जितनी नफरत तुम्हें मुझसे हो रही है उससे कहीं ज्यादा नफरत मैं मोहित से करती हूँ, क्योंकि मोहित मेरा बच्चा है ही नहीं। ये सब आर्यन ने जानबूझकर किया क्योंकि वो मुझे सजा देना चाहता था। वो मुझसे बहुत नाराज था क्योंकि मैंने जानबूझकर उसके बच्चे को अपनी कोख में ही मार दिया। इसीलिए उसने मुझे टॉर्चर देने के लिए जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया। मेरा यकीन मानो और इस तरह मैं घर से बेदखल मत करो, वरना मैं कहाँ जाऊंगी, किस हाल में रहूंगी। मैं तुम्हारा पहला प्यार हूं। कम से कम अपने पहले प्यार की खातिर तो मुझ पर रहम खाओ। मैं तुमसे रहम की भीख मांग रही हूँ। और रही बात साइशा की, तो मैं कसम खाकर कहती हूँ मैं कभी भी तुम्हारे और साइशा के सामने नहीं आऊंगी। लेकिन मुझे इस तरह विला से बेदखल मत करो, वरना मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। कहानी में आगे क्या होगा? क्या अभय को पल्लवी पर दया आएगी, या फिर अब वो पल्लवी को खन्ना फैमिली से निकाल कर बाहर फेंक देगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। अभय और पल्लवी की बातचीत अब तक जारी थी। पल्लवी की बात सुनकर अभय ने एक बार फिर उसके हाथों से अपना पैर दूर हटाते हुए कहा, पल्लवी, तुम्हें मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसे तुम्हें सफाई देनी चाहिए वो इंसान तुम्हें छोड़कर दूर और बहुत दूर जा चुका है। वो कभी तुम्हारे पास वापस लौट कर नहीं आएगा। अगर इतनी माफी तुम मेरे भाई से मांगती तो वो तुम्हें कब का माफ कर चुका होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। और रही बात मेरी, तो मैं तुमसे नफरत करता हूँ, और बहुत नफरत करता हूँ। बेहतर होगा 7 दिन के अंदर घर खाली करो और अपने लिए कोई नया ठिकाना देखो। ये बोलकर अभय वहां से जैसे ही जाने को हुआ, पल्लवी जल्दी से उठकर उसके सामने उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई और उसने रोते हुए कहा, अभय, तुम्हारी जगह कोई होता तो शायद वो मेरे साथ यही बर्ताव करता। मैं वही करूंगी जो तुम चाहते हो, लेकिन प्लीज मुझे थोड़ा वक्त और दे दो। 7 दिन बहुत कम है, इतनी जल्दी मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। उसकी बात सुनकर अभय ने बगैर उसे आई कॉन्टैक्ट करे कहा, तो फिर तुम्हें कितने टाइम की जरूरत है? उसके इतना कहते पल्लवी तुरंत बोल पड़ी, कम से कम मुझे 3 महीना दे दो। अभय ने सपाट लहजे में कहा, मैं तुम्हें 3 सेकंड भी खन्ना फैमिली में बर्दाश्त नहीं कर सकता। 3 महीना तो बहुत दूर की बात है। उसने तुरंत रिप्लाई किया, अभय, तुम खुद ही सोचो, मेरे पास अभी कोई जॉब नहीं है। मुझे अपने लिए कोई जॉब सर्च करनी पड़ेगी, रहने के लिए कोई ढंग की जगह देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही तो मैं निकल पाऊंगी। और 3 महीने बाद मोहित भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मुझे 3 महीने की मोहलत दे दो। और मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं कभी तुम्हारे और साइशा की जिंदगी में वापस नहीं आऊंगी। उसकी बात सुनकर अभय ने एक बार फिर उसे बगैर आई कॉन्टैक्ट किए कहा, ठीक है, लेकिन 3 महीने बाद तुम खुद विला छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। पल्लवी ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। अब अभय ने बाहर जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला, पल्लवी ने रोते हुए कहा, अभय, एक आखिरी रिक्वेस्ट है तुमसे। अभय ने गहरी सांस ली और कहा, वो भी कह डालो। पल्लवी ने कहा, आई होप तुम मेरी ये रिक्वेस्ट मानोगे। अभय ने जवाब दिया, अगर मानने लायक होगी तो ही मैं ये रिक्वेस्ट मानूंगा, वरना मुझे तुम्हारे रिक्वेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। उसकी बात खत्म होते ही पल्लवी ने कहा,
आज हमारे बीच जो कुछ भी बातचीत हुई है, प्लीज ये सारी बातें तुम विशेषता से मत कहना। आई मीन विशेषता को ये मत बताना कि मोहित मेरा और आर्यन का बेटा नहीं है, और आर्यन ने मुझसे बदला लेने के लिए सब किया वरना उसका दिल टूट जाएगा और वो आर्यन से नफरत करने लगेगी। मैं नहीं चाहती कि विशेषता की नजर में जिसे वो सुपर हीरो समझती है वो डाउन हो जाए, इसलिए अभय प्लीज उसे आर्यन का एक कड़वा सच कभी मत पता चलने देना। अभय ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाने के बाद पल्लवी एक बार फिर दरवाजे से सर टिकाकर जोर जोर से रोने लगी। और उधर अभय मोहित से मिलने उसके हॉस्पिटल पहुंचा। वो जैसे ही चिल्ड्रन वार्ड में एंटर हुआ, उसकी नजर विशेषता पर गई जो कि अब तक मोहित के पास वाले सोफे पर बैठी हुई थी। विशेषता को देखकर अभय ने मन में बात करते हुए कहा, अब मुझे फिर से इस पागल लड़की से लंबी बहस करनी होगी। ये सोचते हुए वो वार्ड के अंदर एंटर हुआ। इस वक्त मोहित खेल रहा था और विशेषता उसके पास वाले सोफे पर मुंह लटकाए बैठी हुई थी। अभय ने विशेषता को इग्नोर किया और मोहित के पास मौजूद नर्स की ओर देखकर कहा, अब बच्चा कैसा है? नर्स ने जवाब दिया, अभी खतरे से बाहर है और बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे विशेषता ने अभय को देखा, उसने एक कड़वी नजर उस पर डालते हुए कहा, आप यहाँ दिखावा करने क्यों आए हैं? आप प्लीज जाइए और जाकर अपनी खूबसूरत फैमिली के साथ खूबसूरत टाइम स्पेंड कीजिए। आपको मोहित या हमसे क्यों लेना देना? विशेषता की बात सुनकर अभय ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वहां मौजूद नर्स की ओर देखकर उसने कहा, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हैं? नर्स ने हाँ में सर हिलाया और वहां से बाहर चली गई। उसके वहां से जाने के बाद अभय ने विशेषता की ओर देखकर कहा, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, अच्छा हुआ जो तुम मुझे यहीं मिल गई। विशेषता ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, कहिए हमारे लिए क्या ऑर्डर है, क्योंकि आप सलाह तो लेते नहीं है, सीधे ऑर्डर करते हैं, तो बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। ये कहते वक्त विशेषता के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। अभय ने सपाट लहजे में कहा, जब तक तुम्हारे अब्रॉड जाने की टिकट नहीं हो जाती, तब तक तुम अमित के साथ उसके विला में रहोगी। उसकी बात खत्म होते ही विशेषता तुरंत बोल पड़ी, मैं पल्लवी भाभी के साथ रहूंगी। जवाब में अभय ने कहा, विशेषता तुम्हें बहस करने की जरूरत नहीं है, पहले तुमसे कह दिया ना कि तुम्हें अमित के साथ रहना है, तो बस तुम अमित के साथ ही रहोगी। उसके इतना कहते ही विशेषता ने गुस्सा करते हुए कहा, भैया आप पल्लवी भाभी और मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं? क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं जब तक इंडिया में हूं तब तक मैं अपनी भाभी के साथ रह सकूं? उसके इतना कहते ही अभय ने नहीं में सर हिलाया और कहा, नहीं, मैंने तुमसे जो कहा है बस वही करो, समझे तुम? ये बोलकर अभय वहां से बाहर जाने लगा। विशेषता भी दौड़ते हुए उसके पीछे गई और उसे आवाज देती हुई बोली, भैया मेरी बात तो सुनिए। लेकिन अभय कहां सुनने वाला था, वो तेज रफ्तार से वहां से बाहर चला गया। उसके वहां से जाने के बाद विशेषता ने पैर पटकते हुए कहा, भैया आई हेट यू। अभय हॉस्पिटल से निकलकर अपने ऑफिस के केबिन में पहुंचा। वो जैसे ही केबिन में एंटर हुआ, उसकी नजर अमित पर पड़ी जो कि उसके केबिन में रखे कॉर्नर सोफे पर बैठकर मैगजीन पढ़ रहा था। अमित ने जैसे ही अभय को देखा, वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। अभय अपने रिवॉल्विंग चेयर पर सेटल हो गया। अमित भी उसके ठीक सामने रखी चेयर पर बैठ गया। अभय ने होठों को गुल घुमाते हुए कहा, अमित तुम यहां? जवाब में अमित ने कहा, भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अभय ने हाँ में सर हिला दिया। अमित ने आंखें सिकोड़ कर कहा, अभी अभी मेरे पास विशेषता का कॉल आया था और वो बहुत रो रही थी, आप उसे पल्लवी भाभी के साथ क्यों नहीं रहने दे रहे? कुछ दिन में उसकी अब्रॉड की टिकट हो जाएगी और वो इंडिया से चली जाएगी। भैया मुझे लगता है ये विशेषता के साथ थोड़ा ज्यादा हो रहा है। उसकी बात सुनकर अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। अमित ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, और तो और भैया मुझे ये भी पता चला है कि आपने पल्लवी भाभी से घर खाली करने के लिए कहा है, और आपने ये भी कहा है कि वो मोहित को लेकर हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाए, क्या ये बात सच है? जवाब में अभय ने हाँ में सर हिला दिया। उसकी बात खत्म होते ही अमित परेशान होते हुए बोला, भैया आप क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूँ आपका और पल्लवी भाभी का रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम आर्यन भैया के जाने के बाद उन्हें तकलीफ दें या उनके साथ कुछ गलत करें। उसकी बात खत्म होते ही अभय ने अमित की आंखों में देखकर कहा, अमित मैं जो भी कर रहा हूँ बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ। ये बोलकर वो चुप हो गया। अमित ने आंखें सिकोड़ कर कहा, भैया इसमें सिर्फ आप पल्लवी भाभी को तकलीफ दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये बोलकर अमित अभय की ओर देखने लगा।
अमित की बात सुनकर अभय ने मेडिकल फाइल अमित के सामने फेंकते हुए कही, इस फाइल पर नजर डालो। अमित ने फाइल ओपन की और ओपन करते हुए कहा, भैया ये सब क्या है? अभय अपने चेयर से उठकर खड़ा हो गया और अपने केबिन में बनी बड़ी सी विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया। अमित से उसने कहा, मोहित आर्यन का बेटा नहीं है। ये बात सुनकर अमित ने तुरंत फाइल बंद कर दी और हैरान होते हुए कहा, भैया आप ये सब क्या कह रहे हैं? और पल्लवी भाभी इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती है? इसका मतलब आर्यन भैया उन पर इसीलिए शक करते थे क्योंकि उनका चाल चलन ही खराब था। मुझे यकीन नहीं होता पल्लवी भाभी ऐसा भी कुछ कर सकती है। अमित गुस्से में लगातार अपनी सारी बातें कहे जा रहा था। फिर अमित ने कहा, मैं अक्सर यही सोचा करता था कि आर्यन भैया पल्लवी भाभी के साथ बहुत रूडली पेश आते हैं, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि हमारा भाई मजबूर था। वो पल्लवी भाभी को इतना प्यार करता था कि उसे छोड़ भी नहीं सकता था और उसे किसी गैर मर्द के साथ देख भी नहीं सकता था। लेकिन अब मुझे पता चला कि हमारा भाई गलत नहीं था। ये कहते वक्त उसकी आवाज में उसका गुस्सा और उसकी शिकायत साफ झलक रही थी। अभय ने उसकी ओर मुड़कर देखा और कहा, मैं अभी अभी हमारे फैमिली डॉक्टर से मिलते हुए आ रहा हूं। उससे मिलकर मुझे पता लगा कि आर्यन ने जानबूझकर मेडिकली पल्लवी को प्रेग्नेंट किया और जानबूझकर उसके पेट में किसी और का बच्चा डाला ताकि वो उससे बदला ले सके। ये बोलकर अभय अमित की ओर देखने लगा। उसकी ये बात सुनकर अमित हैरान होते हुए बोला, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया भैया? उसकी बात खत्म होते अभय बोल पड़ा, पल्लवी से बदला लेने के लिए, क्योंकि पल्लवी ने उसके बच्चे को अपनी कोख में मार डाला था, इसीलिए आर्यन ने जानबूझकर उसकी कोख में किसी और के बच्चे को जन्म दिलवाया कि वो पल्लवी से बदला ले सके। ये बात सुनकर अमित अपने सर पर हाथ धर कर बैठ गया। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, भैया आपको याद है मैंने कुछ महीनों पहले आपसे कहा था कि मैंने आर्यन भैया के घर पर डॉक्टर को देखा था। अब मुझे समझ में आया वो डॉक्टर आर्यन भैया के लिए नहीं बल्कि पल्लवी भाभी के लिए बुलाया गया था। अभय अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। फिर उसने अमित की ओर देख कर कहा, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि पल्लवी खन्ना फैमिली से हमेशा के लिए दूर हो जाए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो सब पल्लवी की वजह से हुआ है। आर्यन के साथ शादी करने के बाद भी उसने आर्यन से कभी प्यार नहीं किया, बस उससे सिर्फ इस्तेमाल किया, इसलिए आर्यन ने भी जाते जाते उसे अच्छी तरह सबक सिखाया। ये बोलकर अभय चुप हो गया। अमित ने कुछ सोच कर कहा, ठीक है भैया आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। फिर कुछ सोच कर अभय ने कहा, जब मैं पल्लवी से मिलकर वापस आ रहा था तो पल्लवी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं आर्यन का इस सच विशेषता को ना बताऊं वरना उसका दिल टूट जाएगा। अमित ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मेरा भी यही कहना है कि जब आर्यन भैया हमारे बीच वापस नहीं लौट सकते लेकिन उनकी जो इमेज विशेषता के मन में बनी हुई है बनी रहे तो ठीक होगा, वरना विशेषता का दिल टूट सकता है। ये बोलकर अमित चुप हो गया। अमित अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। फिर कुछ सोच कर उसने अभय की ओर देख कर कहा, भैया मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अभय ने सवालिया नजरों से उसकी ओर देखा। अमित ने खोए हुए ढंग से कहा, आपको सायशा भाभी से प्यार हो गया है, ये बात आपको कैसे पता चली थी और कब पता चली थी? अमित के दिमाग में क्या चल रहा है, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। अमित अब तक अभय के साथ उसके केबिन में मौजूद था। अमित का ये सवाल सुनकर अभय ने आंखें सिकोड़ कर उसकी ओर देखा और कहा, लेकिन तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? ये कहते वक्त अभय के चेहरे पर थोड़ी शरारत के भाव थे। उसके भाव को समझकर अमित ने नहीं में सर हिलाते हुए कहा, भैया अगर मैं आपसे ये सवाल ना पूछूं तो और किससे पूछूं? मेरी नजरों में तो आप और भाभी एक आइडियल कपल है, इसीलिए मैंने सोचा आपसे बेहतर इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाएगा। ये बोलकर वो अभय के रिप्लाई का वेट करने लगा। सायशा का नाम सुनकर अभय के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई और उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। ये देखकर अमित ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या बात है भैया, आज भी भाभी का नाम सुनकर आपकी आंखों में पहले जैसी ही चमक आ जाती है, क्या यही सच्चा प्यार होता है? अभय के चेहरे पर पूरी स्माइल आ गई थी और उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ अमित यही प्यार होता है, लेकिन सच कहूँ तो इस दुनिया में हर किसी के लिए प्यार के मायने अलग अलग होते हैं। ये लाइन अभय ने काफी खोए हुए ढंग से कही थी। अमित भी बड़े गौर से उसकी कही बातें सुन रहा था। अमित ने कहा, प्यार क्या होता है भैया? अभय ने जवाब दिया, किसी के लिए प्यार होता है किसी के साथ रहकर खुशी मिलना, और किसी के लिए प्यार का मतलब होता है किसी के बिना ना रह पाना। तो किसी के लिए
प्यार है दिन रात उनसे बात करना और उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बातों को याद करना। तो किसी के लिए प्यार होता है दिन रात किसी की परवाह करना, तो किसी के लिए प्यार का मतलब होता है दिन रात किसी का ख्याल रखना। अमित खोए हुए ढंग से अभय की कही हुई हर बात पर एक और से सुन रहा था। फिर अभय ने गहराई से कहा, लेकिन सच कहूं छोटे, किसी को देखकर वो वाली फीलिंग आए ना, तो ये प्यार नहीं होता, ये सिर्फ अट्रैक्शन होता है। और जब किसी खूबसूरत लड़की को देखकर उससे अट्रैक्शन हो जाए ना, तो ये प्यार नहीं होता, ये एक टेम्पररी फीलिंग होती है, जिसे कई बार हम प्यार समझने की गलती कर बैठते हैं। ये बोलकर अभय अमित की ओर देखने लगा। अमित भी खोए हुए ढंग से अभय की कही बातें सुन रहा था। फिर अमित ने कहा, तो भैया हमें कैसे पता चलेगा कि हम प्यार में हैं? इस बात पर अभय ने कुछ सोचा और कहा, अमित जब हम किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, जब उसके दुख में हम दुखी होते हैं, जब उसका दिल टूटता है और हम रोते हैं, ये सच्चा प्यार होता है। हम किसी भी खूबसूरत लड़की को देखकर अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन सही मायनों में प्यार सिर्फ एक ही लड़की से होता है, और जब होता है ना, तब हम उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं और हर हाल में उसे खुश देखना चाहते हैं। भले ही वो हमें मिले या ना मिले, हमें उसकी परवाह नहीं होती है, बस हम उसे हर हाल में स्माइल करते हुए देखना चाहते हैं। अभय ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, प्यार वो भी नहीं होता कि आप जबरदस्ती किसी को मजबूर करो कि वो आपसे प्यार करे, वो आपके साथ समय बिताए। अगर वो आपके साथ खुश नहीं है, इसका मतलब कि ये प्यार नहीं है, ये आपकी सेल्फिशनेस है। अमित ने उसकी ओर देखकर कहा, भैया प्यार की शुरुआत तो अटैचमेंट और अट्रैक्शन से ही होती है ना? अभय ने नहीं में सर हिलाया और कहा, नहीं छोटे, सच्चा प्यार तो वो होता है जब आप किसी के साथ होते हो तो आप अपने आप को पूरा महसूस करते हो, एकदम कंप्लीट। जब आप किसी के साथ होते हो तो आपको उस वक्त ये नहीं लगता कि आप किसी दूसरे के साथ हो, उस वक्त आपको ये लगता है कि आप अपने शरीर के किसी हिस्से के साथ हो, और हम में से हर कोई आपसे बेइंतहा प्यार करता है। लेकिन जब हम खुद से ज्यादा किसी और को प्यार करने लगते हैं ना, उसकी परवाह करने लगते हैं, तो वही प्यार होता है। सच कहूं अमित, तो प्यार का कोई मायने नहीं होता, प्यार बेमायने होता है। अमित बड़े गौर से अभय की हर लाइन सुन रहा था। अभय की बात सुनकर अमित ने कहा, भैया हम हमेशा अपने प्यार को पाना चाहते हैं ना, हमें हमेशा ऐसा लगता है ना कि हमारा प्यार हमारे आसपास ही रहे। अभय ने नहीं में सर हिलाते हुए कहा, नहीं अमित, ये प्यार नहीं होता, सच्चा प्यार तो वो होता है जब हमें हर पल उसकी खुशी का ख्याल हो, जब हम ये सोचेंगे कि वो जहां भी रहे बस खुश रहे, जिस हाल में रहे बहुत खुश रहे। और प्यार तो वो होता है जब आप अपने प्यार को आगे बढ़ते देखकर खुश होते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं। अगर आप उसे सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप उसे आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करते हैं और हर वक्त उस पर आने वाली मुसीबत को खुद पर लेने के लिए तैयार रहते हैं, ये असली प्यार होता है। अमित खोए हुए ढंग से अभय की बातें सुन रहा था। अभय ने उसकी आंखों में देखा। अमित अभी किसी अलग ही दुनिया में गुम था। अभय ने गला साफ करते हुए कहा, क्या तुम्हें शर्लिन के लिए कुछ स्पेशल वाली फीलिंग आने लगी है? उसकी बात सुनकर अमित अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने नहीं में सर हिलाते हुए कहा, ओह कम ऑन भैया, आपको ऐसा लगता है कि मैं उस पागल लड़की के प्यार में पड़ सकता हूँ? उसकी बात सुनकर अभय ने तुरंत कहा, तो क्या तुम्हें काजल अच्छी लगती है? तुम काजल से प्यार करते हो? काजल का नाम सुनकर अमित के दिल की धड़कन बिल्कुल तेज नहीं हुई, वो नॉर्मल था। अमित ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं भैया, काजल बहुत बोरिंग टाइप की लड़की है, बहुत कम बात करती है, लिमिटेड बात करती है, और हर वक्त उसे खुद से ज्यादा लोगों का ध्यान होता है। वो उस टाइप की लड़की है, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो वो बहनजी टाइप की है, और वो ज्यादा हंसती भी नहीं है, आई डोंट लाइक हर। उसकी बात सुनकर अभय ने आंखें सिकोड़ कर कहा, अगर तुम शर्लिन को भी पसंद नहीं करते, काजल भी तुम्हें पसंद नहीं है, तो फिर तुम किससे प्यार करने लगे हो? अभय के सवाल पर अमित झेप गया, क्योंकि वो कुछ पल के लिए भूल गया था कि वो इस वक्त अभय से बात कर रहा है। अमित ने बात बनाते हुए कहा, अरे छोड़िए ना भैया, बस यूं ही। अभय ने अपनी आवाज सख्त करते हुए कहा, देखो अमित, शर्लिन और काजल कोई मामूली लड़कियां नहीं है, वो पीटर अंकल से कनेक्टेड है, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से अंकल हमारे बारे में कुछ गलत सोचे, समझ रहे हो ना तुम? उसके इतना कहते ही अमित ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, भैया मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरी वजह से आपको कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। अभय ने आंखें गोल घुमाकर कहा,
अगर तुम उन लड़कियों को पसंद नहीं करते तो फिर तुम क्यों उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो? जवाब में अमित ने कहा, भैया ट्रस्ट में, शर्लिन हर वक्त मुझे इरिटेट करती है, वो मुझे फॉलो करती है, मैं जानता हूँ वो मुझसे वन साइड वाला प्यार करती है, लेकिन सचमुच मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। और रही बात काजल की, तो वो बहुत खूबसूरत और प्यारी लड़की है, लेकिन पता नहीं क्यों भैया मेरे दिल में काजल के लिए भी कोई फीलिंग नहीं है। और अब आपसे बात करके मुझे क्लियर हो गया है कि मैं इन दोनों से प्यार नहीं करता। उसकी बात सुनकर अभय ने आंखें सिकोड़ कर कहा, तो फिर कौन है वो लड़की जिसे तुम प्यार करते हो? क्या तुमने उस लड़की के बारे में भाभी से बात की है? अमित अभय के इस सवाल पर बोला, भैया मैं किसी लड़की से प्यार नहीं करता और ना ही मेरे दिल में किसी भी लड़की के लिए कोई फीलिंग है। ये बोलकर वो अभय के सवालों से बचने के लिए तुरंत वहां से बाहर की ओर जाने लगा। हालांकि अभय को समझ में आ चुका था कि अमित किसी के प्यार में है, लेकिन अभय ने यहां जल्दबाजी नहीं दिखाई। जब अमित बाहर निकल रहा था तब अभय ने उसे रोकते हुए कहा, सुनो अमित, विशेषता के रहने का इंतजाम कर देना। अमित ने अपने सर पर हाथ रख के कहा, भैया आप भी अपना सरदर्द मुझे ही दे रहे हैं। अभय ने कुछ सोच कर कहा, वैसे वो खन्ना पैलेस में रह सकती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ वो सबका जिम्मेदार सायशा को मानती है, इसलिए मुझे लगता है कि वो कुछ दिनों से दूर रहे तो ठीक रहेगा। अमित ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। दूसरी ओर सैंडी ने विशेषता का सारा सामान अमित के विला में शिफ्ट कर दिया था और इस बात से विशेषता अभय और सायशा से अच्छी खासी नाराज थी। करीब 2 दिनों बाद विशेषता पल्लवी से मिलने हॉस्पिटल पहुंची। जैसे ही पल्लवी ने विशेषता को देखा, उसने उसे समझाते हुए कहा, विशु तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा यहाँ आना तुम्हारे अभय भैया और सायशा भाभी को बिल्कुल नापसंद है, तुम्हें मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए था। विशेषता ने नाराज होते हुए कहा, मुझे उन दोनों की कोई परवाह नहीं है, बस मुझे आपकी परवाह है। पल्लवी ने धीरे से कहा, अभी कुछ देर में मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। उनकी बात सुनकर विशेषता कुछ सोचने लगी। पल्लवी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्या बात है विशु, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? जवाब में विशेषता ने रोते हुए कहा, भाभी मोहित भी पिछले कुछ दिनों से चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एडमिट है। कि बोलकर वो फपक कर रो पड़ी। ये बात सुनकर पल्लवी की आंखें नम हो गई और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। विशु क्या हुआ मेरे बच्चे को? विशेषता ने पल्लवी के बालों को सहलाते हुए कहा, चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। ये बोलकर विशेषता पल्लवी को अपने साथ लेकर मोहित के पास पहुंची। मोहित के छोटे से शरीर पर ढेर सारी पट्टी और बैंडेजेस अब तक मौजूद थे। ये देखकर पल्लवी ने रोते हुए कहा, मेरे बच्चे को क्या हुआ विशु? विशेषता ने रोते हुए कहा, भाभी ये सब मेरी गलती है, आपके पीछे मैं मोहित का ध्यान नहीं रख पाए, मुझे माफ कर दीजिए। ये बोलकर वो पल्लवी के कंधे पर सर रख कर रोने लगी। पल्लवी ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तुम परेशान मत हो विशु, जो कुछ हुआ इसमें मेरी गलती है, आज मोहित मेरी वजह से इस हाल में है। अगली सुबह 10 बजे अमित अपने बेडरूम में सो रहा था कि तभी उसका मोबाइल बजा। उसने जैसे ही मोबाइल फोन उठाया, मोबाइल स्क्रीन पर अदिति का नंबर डिस्प्ले हुआ। अदिति का नंबर डिस्प्ले होते देखकर अमित के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने जैसे ही फोन रिसीव किया, दूसरे साइड से अदिति ने कहा, गुड मॉर्निंग अमित। अमित ने भी उसे रिप्लाई किया, लेकिन अदिति ने उसकी आवाज से ये समझ लिया कि वो अभी सोकर उठा है। अदिति ने उसे छेड़ते हुए कहा, मिस्टर लेजी तुम अब तक सो रहे थे? अमित का जवाब आया, हाँ लेकिन तुमसे मेरी नींद भी नहीं देखी जाती। अदिति ने उसे शरारती तरीके से कहा, बच्चे सोने के लिए जिंदगी पड़ी है, अभी तुम जल्दी से VIP स्टेडियम आ जाओ, वहां तुम्हारी काजल बैडमिंटन खेल रही है, मैं तुम्हारे आने तक उसे रोक कर रख सकती हूँ, ओके? उसकी बात सुनकर अमित के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई और उसने फोन पर कहा, अदिति क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रही हो? अगर तुम इस तरह हर वक्त काजल के पीछे रहोगी तो उसे डाउट नहीं होगा कि तुम उसका पीछा कर रही हो? अदिति ने बच्चों की तरह चहकते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, इस काम में तो मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। खैर तुम ये सारी बातें छोड़ो और जल्दी से कपड़े पहनकर स्टेडियम पहुंचो, बाय। ये बोलकर उसने बगैर अमित का जवाब सुने फोन कट कर दिया। अमित ने गहरी सांस लेकर कहा, अजीब पागल लड़की है। ये सोचकर वो अपने वॉशरूम में गया और वहां जाकर उसने जैसे ही वहां लगे बड़े से आईने में अपना चेहरा देखा। अपना ही चेहरा देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसे अपने आप ही वो रात याद आ गई जब अदिति उसके बार में फुल ड्रंक थी और अमित उसे अपनी गोद में उठाकर अपने प्राइवेट रूम में लेकर गया था और माँ उसने अदिति के होठों पर किस किया था। और उसे किस करते ही अमित के दिल में तितली उड़ने जैसा अजीब सा एहसास हुआ था कि पहली बार हुआ था, और इस एहसास को याद करके अमित रोमांचित हो रहा था।
क्या अमित अदिति को चाहने लगा है? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। सुबह के 10 बज चुके थे। साइशा और अभय इस वक्त पैलेस के गार्डन एरिया में मौजूद थे। अभय ने साइशा की ओर देखकर कहा, क्या तुम्हारी अमित से मुलाकात हुई है? साइशा ने रिप्लाई किया, हाँ उससे अक्सर मुलाकात होती रहती है और लगभग हर दिन वो मुझे कॉल करता है। ये जवाब देने के बाद उसने अभय की ओर देखकर कहा, लेकिन तुम अमित के बारे में क्यों पूछ रहे हो? अभय ने टेबल पर रखा जूस का गिलास उठाते हुए कहा, क्योंकि मुझे छोटे नवाब के मिजाज कुछ बदले हुए से नजर आ रहे हैं। ये कहने के बाद अभय के चेहरे पर स्माइल आ गई। इस बात को सुनकर साइशा के चेहरे पर भी बड़ी सी स्माइल आ गई। साइशा ने कहा, मिजाज तो बदलेंगे ही, पहला पहला प्यार, पहली पहली बार जो हुआ है, तो छोटे नवाब की हरकतें भी कुछ अलग होंगी ही ना। ये बोलकर साइशा हंसने लगी। फिर साइशा ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, कुछ भी कहो, काजल बहुत लगी है क्योंकि उस पर अमित का दिल जो आया है, वरना अमित इतनी आसानी से किसी लड़की पर दिल हारने वाला नहीं है। ये कहने के बाद साइशा ने अभय पर नजर डाली। अभय ने जूस का सिप लेते हुए आंखें चौड़ी की और साइशा की ओर देखकर कहा, और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम पर तो सीधे अभय खन्ना दिल हारा था। अभय की बात सुनकर साइशा ने आंखें गोल घुमाकर कहा, कम ऑन अभय, हर वक्त अपनी तारीफ सुनने के लिए क्यों ये स्टुपिड क्वेश्चन करते रहते हो? ये कहने के बाद वो हंस पड़ी। अभय ने जिद करते हुए कहा, सीरियसली? साइशा ने बेपरवाही से जवाब दिया, अभय अब इन सब बातों का क्या मतलब? अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, एक बेटा भी है। अभय और सीरियस होकर बोला, मेरी तारीफ करो। ये बात सुनकर साइशा ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्या? अभय ने छोटे बच्चों की तरह हमें सर हिलाया। इस वक्त अभय का फेस बिल्कुल उस जिद्दी बच्चे की तरह लग रहा था जो अपनी जिद मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी बात सुनकर साइशा स्माइल करती हुई बोली, वो मैं तुम्हें बेडरूम में बताऊंगी। ये लाइन कहने के बाद उसके चेहरे पर शरारती स्माइल आ गई। अभय अपनी जगह, उसने तो फोन पर कहा था कि वो इस वक्त यही है, कहां गई है? ये कहते हुए वो एक बार फिर अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर देखने लगा कि तभी किसी ने पीछे से आकर अमित के कंधे पर हाथ रखा। अमित खुश होकर जैसे ही पीछे पलट कर देखा, उसके पीछे काजल मौजूद थे जो कि स्माइल करते हुए उसे देख रहे थे। काजल को देखकर अमित को कोई खास खुशी नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर फेक स्माइल देते हुए कहा, हाय काजल, तुम यहाँ? काजल ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं तो हर दिन यहाँ आती हूँ। उसकी बात सुनकर अमित ने कोई जवाब नहीं दिया कि तभी अमित का फोन बजा। उसने काजल को एक्सक्यूज मी कहा और उसे थोड़ी दूर जाकर अपने पॉकेट से फोन निकाला। फोन स्क्रीन पर अदिति का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। अदिति का नंबर देखकर अमित ने फोन उठाया और कहा, अदिति कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से यहाँ ढूंढ रहा था। अदिति ने शरारती तरीके से कहा, झूठ मत कहो कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे, मैं जानती हूँ तुम यहाँ काजल को देखने आए हो और तुम्हें आना भी चाहिए। अमित को अदिति के मुंह से काजल का नाम सुनना न जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। अमित कुछ कह पाता इसके पहले ही अदिति तुरंत बोल पड़ी, अब तुम्हें काजल कहेगी कि उसे टेबल टेनिस खेलने का बड़ा शौक है, क्या तुम खेलोगे? तो तुम क्या कहोगे? अमित कुछ सोचने लगा। वो फिर से कोई जवाब दे पाता उसके पहले ही एक बार अदिति बोल पड़ी, मुझे तो पता है तुम पूरे दम्बो हो, मैं बताती हूँ। अब तुम ये कहना कि आज तुम्हारी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, लेकिन तुम आधे घंटे टाइम निकाल सकते हो, ओके? इससे तुम्हारा इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। चलो मैं फोन रखती हूँ, बाय। ये बोलकर उसने फोन कट कर दिया। फोन रखने के बाद अमित को महसूस हुआ कि अदिति ने उसे एक बार भी कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। उसने अदिति को कॉल बैक किया और अदिति के कुछ बोलने के पहले कहा, लेकिन तुम कहाँ हो? मुझे यहाँ दिखाई क्यों नहीं दे रही? जवाब में अदिति ने कहा, क्योंकि मैं सिटी मॉल में हूँ। अच्छा तुम फोन पर बात करके टाइम वेस्ट मत करो, जाओ और जाकर काजल के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, गुड लक। ये बोलकर उसने फोन कट कर दिया। फोन कट होने के बाद अमित ने गहरी सांस ली और पीछे पलट कर देखा, जहाँ उसके कुछ दूर काजल मौजूद थी और वो उसे देखकर स्माइल कर रही थी। अमित ने फोन अपने पॉकेट में रखा और काजल के पास पहुंचा। काजल ने उसकी ओर देखकर कहा, वैसे मुझे टेबल टेनिस खेलने का बहुत शौक है, क्या तुम मेरे साथ खेलने में इंटरेस्टेड हो? उसकी ये बात सुनकर अमित थोड़ा हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा, क्योंकि उसे ये सुनकर अजीब लगा कि अदिति को पहले से कैसे पता चला कि काजल उसे यही सवाल करेगी। फिर अमित ने भी उसे सेम रिप्लाई दिया जो अदिति ने उसे देने के लिए कहा था। फिर वो दोनों खेलने के लिए प्लेग्राउंड के अंदर जाने लगे। चलते चलते काजल ने कुछ सोच कर कहा, अमित एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? अमित ने हाँ में सर हिला दिया। काजल ने कहा,
क्या तुम्हें अदिति ने बताया था कि मैं यहाँ हूँ? उसकी बात सुनकर अमित ने काजल की ओर देखकर कहा, क्या तुमने अदिति को यहाँ देखा था? काजल ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उसने जैसे मुझे देखा वो तुरंत वहां से वापस चली गई, वो मुझे जल्दी में लग रही थी। उसकी बात सुनकर अमित ने जवाब में सिर्फ स्माइल कर दिया। काजल ने अदिति का नाम लेकर कहा, कुछ भी कहो, मुझे तुम्हारी भाभी की ये दोस्त बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली अदिति का जॉली नेचर मुझे बहुत पसंद है। ये बोलकर बहुत स्माइल करती हुई वो अमित को देखने लगी। अदिति का नाम सुनकर अमित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अमित ने कुछ देर काजल के साथ टाइम स्पेंड किया और सीधे सिटी मॉल के लिए निकल पड़ा। वो जैसे ही वहां पहुंचा उसने अदिति का नंबर डायल किया और उसके फोन रिसीव करते ही बोल पड़ा, अदिति तुम कहाँ हो, मुझे दिखाई नहीं दे रही। अदिति का जवाब आया, डम्बो में गेम जोन में हूँ, सीधे काजल को लेकर यहीं चले आओ। ये बोलकर उसने एक बार फिर अमित का रिप्लाई सुने बगैर फोन कट कर दिया। अमित ने बड़बड़ाते हुए कहा, अजीब पागल लड़की है, सिर्फ अपना ही कहती है, दूसरे को कहने का मौका ही नहीं देती। ये बोलकर वो गेम जोन लाइट चला गया। अदिति इस वक्त टॉय ट्रेन में बैठी हुई थी। ये देखकर अमित जोर से हंस पड़ा। उसे हंसते देखकर अदिति उतर गई और अमित के पास पहुंची। अमित ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, तुम बच्चों की टॉय ट्रेन में क्या कर रही हो? अदिति ने कंधे उचकाकर कहा, टॉय ट्रेन में ऐसा कहा लिखा है कि उसमें मेरी उम्र की लड़कियां नहीं बैठ सकती। अमित कुछ बोल पाता कि तभी उसे अपनी और अदिति की ओर शर्लिन को आते देखा। शर्लिन के हाथों में कॉफी के दो मग्स थे। शर्लिन को देखकर ही अमित का दिमाग खराब हो गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि अदिति के साथ वो भी मौजूद होगी। अमित को देखकर शर्लिन ने उसे कॉफी का मग पास करते हुए कहा, अमित तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सच कहूँ तो मैं मिस अदिति से तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी और देखो तुम खुद चले आए। आई नो, तुम मुझे यहाँ सरप्राइज देने आए हो ना? शर्लिन बगैर रुके अपनी नॉनसेंस बातें कही जा रही थी। अदिति ने शर्लिन से कॉफी का मग लिया और कहा, शर्लिन आई होप यू डोंट माइंड, क्या तुम अपने लिए दूसरी कॉफी लेकर आ सकती हो? ये बोलकर वो शर्लिन की आंखों में देखने लगी। शर्लिन ने खुश होकर कहा, ऑफ कोर्स। फिर उसने कुछ सोचकर अमित की ओर देखा और कहा, अमित अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो क्यों ना हम तीनों साथ में लंच करें। उसके सवाल पर अमित ने बेचारी वाली नजरों से अदिति को देखा। शर्लिन कॉफी के लिए दूसरे साइड चली गई। उसके वहां से जाने के बाद अदिति ने अमित को देखकर कहा, तुम यहाँ अकेले हो, काजल कहाँ है? हम पहुंचे थे और मैं चाहती थी तुम काजल के साथ अकेले टाइम स्पेंड करो, इसीलिए मैं बड़े स्टाइल से शर्लिन को अपने साथ ले आई ताकि तुम काजल के साथ अपने स्पेशल वाली फीलिंग शेयर कर सको। अब अमित को काजल का नाम सुनना भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। अमित ने उसकी ओर देखा और घूर कर कहा, क्या तुम मुझसे मेरे बारे में नहीं बात कर सकती? क्या तुम्हें सिर्फ काजल के बारे में ही बातें करनी है? अदिति ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, अमित तुम काजल का नाम सुनकर इतने नाराज क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हारा और काजल का झगड़ा हुआ है? अमित ने कुछ सोचा और कहा, अदिति मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अदिति ने हैरान होते हुए कहा, तो फिर तुम किससे शादी करना चाहते हो? तुम किससे प्यार करते हो? अमित ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बता दूं? अदिति ने अपने आसपास देखते हुए कहा, क्या वो लड़की वहीं आसपास है जिसे तुम पसंद करते हो? अमित अदिति की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था और उसने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। अदिति ने एक बार फिर अपने आसपास नजर दौड़ाई और कहा, कहाँ है वो लड़की? उसके इतना कहते अमित अचानक से उसके करीब गया और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके होठों पर किस करने लगा। आगे क्या होगा? अदिति इस रिश्ते को मानेगी या नहीं, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। अदिति मॉल के बाहर मौजूद थे और अमित अदिति के होठों पर पैशनेटली किस किए जा रहा था। तभी अदिति ने उसे खुद से दूर ढकेला और उसे डांटती हुई बोली, ये तुमने क्या किया? अमित ने जवाब दिया, हाँ अदिति मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ। उसकी ये बात सुनकर अदिति ने अपने सर पर हाथ रख के कहा, अमित क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो ना? ये कहते वक्त हमेशा स्माइल करने वाली अदिति के चेहरे पर डर और हैरानी के मिले जुले भाव थे। अमित ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मुझे अच्छी तरह पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ अदिति और हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। अदिति ने नहीं में सर हिलाते हुए कहा, अमित क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये कभी नहीं हो सकता। ये बोलकर उसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और आंखें बंद करके उसने गहरी सांस ली। इस वक्त उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अमित से क्या कहे। अमित ने उसकी ओर देख कर कहा, क्यों नहीं हो सकता हूँ, क्या कमी है मुझ में? उसकी बात सुनकर अदिति ने कुछ सोच कर कहा, देखो अमित हमारे इस रिश्ते में कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं,
तुम मुझसे उम्र में भी 5 साल छोटे हो और कोई भी लड़की अपने से 5 साल छोटे लड़के के साथ कमिटमेंट नहीं करना चाहेगी। हर लड़की अपने लिए एक मैच्योर लड़का चाहती है। हर लड़की ऐसा लड़का चाहती है जो उससे ज्यादा मैच्योर हो। लेकिन जब तुम्हारी उम्र ही मुझसे कम है तो मैच्योरिटी लेवल भी कम होगा ना। ये बोलकर अदिति ने अमित को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे लिए काजल बहुत अच्छी लड़की है और तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे दिखते हो, और तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा भूल जाओ उसे। तुम ये सोच लेना कि तुमने कभी मुझसे ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, ओके? ये बोलकर अदिति उसकी आंखों में देखने लगी। उसके इतना कहते ही अमित ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, अदिति क्या सचमुच तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? एक दिन के लिए भी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं? हूँ, ये बोलकर वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। अदिति ने रिप्लाई किया, नहीं। अमित ने एक बार फिर उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या तुम सच कह रही हो? अदिति ने अपनी आवाज पर जोर देते हुए कहा, हाँ अमित, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। मैंने कभी भी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा जो तुमने सोच लिया। उसकी बात खत्म होते ही अमित तुरंत बोल पड़ा, अगर तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया तो क्यों हर वक्त तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता है? क्यों तुम्हारी बेवकूफियों से भरी बातें मेरे कानों में गूंजती है? क्यों हर वक्त तुम्हारी यादें, तुम्हारा पागलपन मुझे याद आता है? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है अदिति? ये बोलकर वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। अदिति ने नहीं में सर हिलाते हुए कहा, अमित प्लीज इस तरह बातें करके अपना दिल मत दुखाओ। ये सब कहने से मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए नहीं बदल सकती। तुम बहुत अच्छे लड़के हो और मुझे ये भी पता है तुम्हारे लिए मैं नहीं बल्कि काजल परफेक्ट है। तुम दोनों की उम्र भी एक दूसरे के साथ मैच करती है। उसके इतना कहते ही अमित ने नाराज होते हुए कहा, ये क्या तुम काजल काजल लगा कर रखी हो? मैंने तुमसे कहा ना मैं उससे प्यार नहीं करता, बस वो एक अच्छी लड़की है। मैं काजल के लिए सिर्फ अट्रैक्टेड था, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं इतना भी इमेच्योर नहीं हूँ कि मुझे अट्रैक्शन और प्यार में फर्क ना समझ में आए। और तुम भी कोई उम्र में इतनी बड़ी नहीं हो जो तुम्हें मेरी फीलिंग समझ में ना आ सके, समझे तुम? ये बोलकर अमित ने गहरी सांस ली और फिर उसकी ओर देखकर कहा, प्रियंका चोपड़ा ने भी तो अपने से 10 साल छोटे लड़के के साथ शादी की है ना, क्या वो लड़के के साथ खुश नहीं है? या फिर वो लड़का इमेच्योर है? क्या प्रॉब्लम है हम दोनों के साथ? तो फिर तुम मुझसे सिर्फ 5 साल ही बड़ी हो। एज वगैरह कुछ मैटर नहीं करती है। मैटर तो करता है कि हम एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। ये बोलकर अमित उसकी आंखों में देखने लगा। अदिति को अमित की बात समझ में आ चुकी थी, वो काफी सीरियस है, इसीलिए उसने तुरंत उससे बात बनाते हुए कहा, अमित देखो अक्सर ऐसा हो जाता है, हम अपनी लाइफ में जिसको पसंद करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिसे हम पसंद करें वो हमें मिले। अमित ने उसकी ओर देखकर कहा, तो ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? अदिति ने रिप्लाई किया, अमित ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, ये अक्सर हर दूसरे इंसान के साथ होता है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी लाइफ में किसी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। मैं जहाँ से खड़ी होकर देख पा रही हूँ वहाँ मुझे नजर आ रहा है कि तुम काजल के साथ बहुत खुश हो और उसके साथ तुम बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हो, और मुझे ये भी पता है कि काजल तुम्हें हमेशा बहुत खुश रखेगी। अमित ने नहीं में सर हिलाते हुए कहा, कभी नहीं। अदिति ने आंखें गोल घुमाकर कहा, तुम्हें क्या हो गया और तुम मेरे लिए ऐसा सोचते थे? मैं आज तक नहीं समझ पाई। अदिति अमित का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी क्योंकि अमित सायशा का देवर था और कहीं ना कहीं अदिति भी उसे एक अच्छा इंसान मानती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसका दिल दुखे। इसीलिए अदिति ने उससे बात बनाते हुए कहा, अच्छा अमित मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। अमित उसके सामने उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया और उसने सपाट लहजे में कहा, जब तक तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं दे दोगी मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। क्या तुमने भी मुझसे कभी प्यार नहीं किया, एक पल के लिए भी नहीं? ये बोलकर वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। अदिति ने उसे टालने के लिए कहा, अमित क्या इस बात का जवाब मैं तुम्हें फोन पर दे सकती हूँ? मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। उसकी बात सुनकर अमित उसके रास्ते से हट गया और उसकी कार का डोर ओपन कर दिया। अदिति ड्राइविंग सीट पर बैठी और वहां से निकल पड़ी। उसके वहां से जाने के बाद अमित हाथ बांधे हुए तब तक उस डायरेक्शन में देखता रहा जब तक अदिति की कार उसकी आंखों से ओझल ना हो गई। और उधर शलिन हाथों में कॉफी का मग लेकर अमित को घूर कर देख रहे थे क्योंकि उसने अमित और अदिति को किस करते हुए देख लिया था। इस वक्त उसके चेहरे पर तकलीफ के भाव साफ समझ में आ रहे थे। दूसरी ओर अभय और सायशा पैलेस में मौजूद थे। इस वक्त वो दोनों आयांश के साथ पैलेस के खूबसूरत से गार्डन में खेल रहे थे। आयांश धीरे धीरे करके अपने नन्हे कदमों पर चलना सीख रहा था और
उसे अपने पैरों पर चलते देखकर अभय और साइशा दोनों बहुत खुश हो रहे थे। कुछ देर बाद साइशा ने आयांश को सैंडी के साथ स्विमिंग क्लास के लिए भेज दिया और खुद अभय के साथ गार्डन में बने खूबसूरत से गाजिबों में बैठकर बातें कर रहे थे। साइशा ने अभय की ओर देखकर कहा, अभय विशेषता अमित के विला में शिफ्ट हो चुकी है। उसकी बात सुनकर अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। साइशा ने कुछ सोच कर कहा, अभय मैंने सुना है कि तुम पल्लवी को उसके घर से बेदखल कर रहे हो। उसकी बात खत्म होते ही अभय तुरंत बोल पड़ा, वो पल्लवी का घर नहीं है, वो मेरे भाई का घर था और वैसे भी आर्यन ने कंपनी से इतना ज्यादा लोन ले रखा था कि कंपनी के पास अपने पैसे वापस लेने का और कोई आखिरी रास्ता भी नहीं है। ये बोलकर अभय चुप हो गया था। साइशा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, कंपनी के पास और कोई रास्ता नहीं है या तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं मानती हूँ पल्लवी ने हमारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन इस तरह अगर तुम उसे घर से बेदखल करोगे तो लोग क्या कहेंगे? और तुम इस तरह पल्लवी से अपना बदला क्यों ले रहे हो? जवाब में अभय ने उसकी आंखों में देखा और कहा, इसके पीछे वजह है। ये कहते हुए उसने उसे पल्लवी और मोहित की सारी सच्चाई बता दी। इस बात को सुनकर साइशा एक पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने कुछ सोच कर कहा, अभय इसमें जो कुछ भी हुआ है इसमें मुझे सारी गलती आर्यन की समझ में आ रही है। क्यों आर्यन ने पल्लवी को तकलीफ देने के लिए ये कदम उठाया? उसकी बात सुनकर अभय का जवाब आया, क्योंकि पल्लवी ने उसके सामने और कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा था। वो पल्लवी से अपना बच्चा चाहता था, लेकिन पल्लवी ने तुमसे बदला लेने के चक्कर में उस बच्चे को भी मार दिया। तब आर्यन ने ये रास्ता अख्तियार किया, वो पल्लवी को सजा देना चाहता था। उसकी बात सुनकर साइशा ने उसकी आंखों में देख कर कहा, मैं मानती हूँ पल्लवी की गलती थी और आर्यन ने उसे सजा देने के लिए सब कुछ किया, और अब तुम आर्यन के जाने के बाद पल्लवी को घर से बेदखल कर रहे हो। लेकिन इन सब चीजों में मोहित की क्या गलती है? मोहित क्यों सभी की नफरत की सजा भुगत रहा है? अभय ने कहा, मोहित अपनी माँ के कारण ये सारी नफरत भुगत रहा है, और उसने जिस औरत की कोख से जन्म लिया है इस वजह से वो ये सब भुगत रहा है। साइशा ने उसकी ओर देख कर कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार फिर से अपने इस फैसले को रिकंसीडर करना चाहिए। अगली सुबह 10 बजे साइशा जैसे ही यूनिवर्सिटी पहुंची उसका मोबाइल बजा। उसने जैसे ही मोबाइल स्क्रीन पर नजर डाली, मोबाइल पर अदिति का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। उसका नंबर डिस्प्ले होते देखकर साइशा ने फोन रिसीव किया। साइशा के फोन रिसीव करते ही अदिति बोल पड़ी, साइशा आई एम सॉरी, मुझे सिंगापुर जाना पड़ रहा है और मैं तुमसे बगैर मिले जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर साइशा ने हैरान होते हुए कहा, अदिति तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम 6 महीने मुंबई में रहोगी, तुम्हें यहाँ बिजनेस का बहुत सारा काम है। जवाब में अदिति ने कहा, हाँ साइशा, लेकिन मुझे कुछ दिन के लिए सिंगापुर जाना पड़ रहा है, वहाँ डैड के काफी इम्पोर्टेंट बिजनेस डील होनी है जिसे मुझे देखना है। साइशा ने गहरी सांस लेकर कहा, अदिति ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। फिर कुछ सोचकर उसने कहा, अच्छा ये बताओ सिंगापुर से तुम कब वापस आओगी? अदिति ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, शायद कभी नहीं। उसके इस जवाब पर साइशा ने हैरान होकर कहा, लेकिन क्यों? अदिति ने हंसते हुए कहा, क्योंकि इंडिया में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, मैं कभी नहीं चाहती, इसीलिए मैं सिंगापुर शिफ्ट होने की सोच रही हूँ। कुछ दिन में डैड भी अपना बिजनेस वाइंड अप करके सिंगापुर में शिफ्ट हो जाएंगे। साइशा ने उसे डांटते हुए कहा, अदिति ये बहुत गलत बात है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कभी इंडिया छोड़कर नहीं जाओगी और हम हमेशा साथ में रहेंगे, लेकिन तुम अपने वादे से पीछे हट रहे हो। अदिति ने गहरी सांस लेकर कहा, साइशा इस वक्त मैं मजबूर हूँ, मेरे सामने और कोई रास्ता भी नहीं है। मैं जानती हूँ अगर तुम भी मेरी जगह होती तो तुम भी यही करती। अदिति की बहकी बातें सुनकर साइशा को कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने अदिति से कहा, तुम क्या कहना चाहती हो, साफ साफ कहो। जवाब में अदिति ने कहा, साइशा गुड बाय, अब मैं इंडिया वापस कभी नहीं आऊंगी, लेकिन हाँ जब भी तुम सिंगापुर आओगी अपने दोस्त को जरूर याद कर लेना, मैं अभी फोन रखती हूँ, जल्दी में हूँ, बाय। ये बोलकर उसने फोन कट कर दिया। फोन कट करने के बाद साइशा ने खुद से बात करते हुए कहा, अदिति को क्या हो गया, इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है? या साइशा समझ पाएगी कि अदिति ने यह फैसला क्यों लिया है? या अदिति ने जानबूझकर खुद से अमित को दूर करने के लिए यह सब किया? आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।